नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल 2022 अब खत्म हो चुका है। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है और अब जब आईपीएल खत्म हो चुका है तो इस वीडियो में आपको हम आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा झूठ बताने जा रहे हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा झूठ आखिर क्या है और वो कौन सा झूठ है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल आईपीएल के जब मैचेस खेले जा रहे थे तो लगातार इस झूठ को लेकर लोग जो है सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे थे, लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे थे और लोग जो है इस झूठ को कहीं ना कहीं सच मान बैठे थे। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये झूठ जो है सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर से रिलेटेड है। ये झूठ डिवॉल्ड ब्रिविस यानी बेबी एबी से रिलेटेड है। अब आप कहीं ना कहीं कुछ कुछ हिंट आपको जरूर मिल गया होगा, कुछ कुछ आपको चीजें दिमाग में जरूर आ रही होगी, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को जब आप एंड तक देख लेंगे तो यकीनन आईपीएल 2022 का जो सबसे बड़ा झूठ है उस पर से पर्दा कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर से हट जाएगा और आप भी समझ जाएंगे कि क्या आपने आईपीएल 2022 के दौरान जो बातें सुनी वो सच है या हम जो आपको बता रहे हैं वो बातें सच है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को भी जरूर देखिएगा। दरअसल आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। मुंबई इंडियंस इस सीजन पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे रही। शुरुआती फेज में यानी जो आईपीएल के लीग स्टेजेस जो होते हैं उसको दो भाग में बांट लिया जाता है, फेज वन फेज टू। तो मुंबई इंडियंस ने अपने फेज वन के सभी मुकाबले गवा दिए। फेज टू का जो मुकाबला था लीग स्टेज का उसकी शुरुआत बिहार से हुई, लेकिन सेकेंड स्टेज में जो है लीग स्टेज के सेकेंड स्टेज के मुकाबलों में मुंबई इंडियंस ने कहीं ना कहीं कमबैक किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से डिवॉल्ड ब्रिविस यानी बेबी एबी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। कंसिस्टेंट रन्स वो बना रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए। हाँ जी हाँ, भले ही वो मैच नहीं जीता पा रहे थे लेकिन जबरदस्त तरीके से वो बल्लेबाजी करते जा रहे थे। 18 वर्षीय बेबी एबी यानी डिवॉल्ड ब्रिविस मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए उन्होंने सभी को अपना दीवाना बनाया। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक खबर आप कह सकते हो, एक रूमर आप कह सकते हो, एक झूठ आप कह सकते हो जो तेजी से फैल रही थी, और वो ये कि डिवॉल्ड ब्रिविस को अपना दीवाना बनाने वालों में सारा तेंदुलकर का भी जो है एक बहुत बड़ा नाम है। सारा तेंदुलकर भी डिवॉल्ड ब्रिविस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। इन दोनों में कुछ है, शायद कुछ पक रहा है, शायद कुछ है, कोई केमिस्ट्री है, इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन आपको बता दे कि ये सबसे बड़ा झूठ है आईपीएल 2022 का। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए मुंबई इंडियंस के मेंटोर हैं सचिन तेंदुलकर, वो लंबे समय से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। और इस वजह से, और ना सिर्फ उनके पिता सारा तेंदुलकर के पिता ना सिर्फ मुंबई इंडियंस से जुड़े हैं बल्कि उनके भाई, छोटे भाई अर्जुन तेंदुलकर भी मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं। वो बात अलग है कि अर्जुन तेंदुलकर को खेलने का मौका नहीं मिला, प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, लेकिन पिता और भाई दोनों ही मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए हैं। इस वजह से सारा तेंदुलकर को हम अक्सर मुंबई इंडियंस के मैचों के दौरान क्राउड में मुंबई इंडियंस को चेयर करते हुए देख ही लेते हैं। और खबरें जो है बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बातें फैलने लगी। जब डिवॉल्ड ब्रिविस सभी को अपना दीवाना बना रहे थे तो कहीं ना कहीं सारा तेंदुलकर भी उस लम्हे को एंजॉय कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा चेयर कर रही थी। और इसी इन्हीं लम्हों की कुछ तस्वीरें, कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर, डिवॉल्ड ब्रिविस की तस्वीरें और सारा तेंदुलकर की तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर ये बातें फैलानी शुरू की गई कि सारा तेंदुलकर और डिवॉल्ड ब्रिविस जो है शायद इनके बीच में कुछ है, शायद कुछ पक रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो सारा तेंदुलकर की तरफ से भी हमें कुछ बयान जो है वो सुनने को मिल जाते। डिवॉल्ड ब्रिविस ने इस बारे में कभी भी रिएक्शन नहीं दिया। डिवॉल्ड ब्रिविस ने तो जरूरत ही नहीं समझी कि इस बारे में वो कुछ बात करे, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो डिवॉल्ड ब्रिविस वो पहले क्रिकेटर नहीं है जिनसे
सारा तेंदुलकर का नाम जोड़ा गया है, शुभमन गिल का भी नाम जोड़ा जा चुका है, और जिस तरह से लोग सारा तेंदुलकर का नाम जोड़ रहे हैं, चौंकिएगा नहीं अगर इनका नाम किसी और से भी जोड़ा जाए, लेकिन यकीन तभी करना है जब खुद सारा तेंदुलकर इस बारे में कोई बात करे या वो क्रिकेटर जिनसे उनका नाम जोड़ा जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा झूठ क्या था, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी कहीं इन खबरों को सच तो नहीं मान बैठे थे। ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।